हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और ये वीडियो आपको देख के पता चला होगा कि कहाँ की है। और हम लोग हैं इस टाइम कटरा, और यहाँ से एंट्री होती है वैष्णो देवी मंदिर जाने के लिए। और यहाँ हमारी दीदी नारे लगा रही हैं। तो गाइस, हम लोगों का सफ़र होता है कुछ इस तरह से। बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में, और मैं कोशिश करूँगी कि आप सब लोगों को अपना पूरी जर्नी दिखा सकूँ इस छोटी सी वीडियो में। वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि ज़्यादा भी लॉन्ग ना हो। और हम लोगों के पास माइक नहीं था, वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, वहाँ बारिश भी थी, घोड़े भी चल रहे थे, और कुछ कुछ लोगों की भी आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने यहाँ वॉइस ओवर की है। और बनी रही है इस ब्लॉग में। ये हैं हमारी भाभी जी जो हेलो कह रही हैं, और बाकी सबसे भी मिलाऊंगी, वो लोग पीछे हैं। और हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं बाणगंगा। यहाँ हो रही थी बहुत तेज़ बारिश, जिसमें मेरी नंदू और मैं थोड़ा थोड़ा भीग गए हैं, लेकिन कोई नहीं। फिर हमें यहाँ पर हमारे भाई और विधि बिछड़ गए। अब हम इसी टेंशन में कि आगे हैं या पीछे, तो थोड़ा चलते चलते ढूंढते हुए जा रहे हैं। और कुछ टाइम बाद हम लोगों को मिल जाते हैं हमारे भ्राता से भी। और चलते चलते थोड़ा भूख भी लगने लगी थी, तो सोचते हैं थोड़ा पेट पूजा भी कर ली जाए। नंदू तो आई नहीं। और चलते चलते रास्ते में हम लोगों को दिखता है ये मंदिर, जिसका नाम था चरण पादुकार। तो सोचा चलो दर्शन कर ही लेते हैं। और हम लोगों के साथ नंदू के पिताश्री नहीं आए अंदर, तो नंदू अपने पापा को ढूंढ रही हैं। पापा पापा चिल्लाए जा रही हैं मंदिर में, और उनका मंदिर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो इधर उधर अपने पापा को ही ढूँढ रही हैं। और फिर हम लोगों ने जल्दी से दर्शन किए मंदिर के, मंदिर बहुत अच्छा था अंदर से। और फिर हम लोग चलते हैं। हेलो गाइस, अब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि कल्पना के हाथ में नंदू है और वो उसे लेके चल रही है बारिश में रेनबो किट में धुपकाती हुई। लेकिन नंदू कहाँ उसमें छिपने वाली है। और देखो यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा है। तो वैष्णो देवी के दर्शन करने आए हुए लोग कुछ लाठी लेकर चल रहे हैं, और कुछ लोग घोड़े पर बैठ कर, और कुछ लोग पालकी में चले जा रहे हैं अपने अपने। और ये हैं हमारे भाई जी जो फुल स्पीड में चले जा रहे हैं। और उनके आगे विधि के पिताश्री हैं, वो भी फुल स्पीड से दोनों चले जा रहे हैं, क्योंकि दोनों की गोद में, एक की गोद में है नंदू और एक की गोद में है विधि, और दोनों बैग हम लोगों के पास हैं, एक मेरे पास और एक हमारी भाभी श्री के पास। रास्ते में बजता है ढोल, जिसको देख कर हमारी विधि नंदू डांस करने लगी हैं और क्लैपिंग भी कर रहे हैं। और यहाँ दे रहे हैं हम अपने हाथ पैरों को थोड़ा आराम, क्योंकि चलते चलते बहुत थक गए हैं, और हमारी दोनों कन्याएं भी गोदी में थक गई थी, इसलिए दोनों आराम से बैठे हैं। और अभी तो बहुत दूर तक चलना है, वो इतना ऊपर दिख रहा है वहाँ जहाँ है। और यहाँ बादलों के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है, देखो। सब लोग पीछे रह गए, मैं सबसे आगे आ गई है। नंदू ये अपनी अम्मा को तो कर रही है। बोलो जय माता की। नंदू बोलो जय माता की, जय माता की। फाइनली हम अर्धकुंवारी मंदिर पर पहुंचने वाले हैं, और जहां रास्ते में मिलती है ये प्लेस जहां लोग रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बारिश आने वाली है।
और ये पहले से ही फुल है। और देखते देखते देखो कितनी तेज़ बारिश होना शुरू हो जाती है, तो हम लोगों को भी रुकना पड़ता है यहीं पर। कम से कम एक घंटे तक लगातार बहुत तेज़ बारिश हुई यहाँ पर। और बारिश हो गई बंद और हम पहुंच गए हैं अर्धकुमारी मंदिर पर। यहाँ गुफा में जाने के लिए नंबर लगाना पड़ता है, जिसके लिए बहुत लंबी लाइन लगी है। और क्योंकि यहाँ ना नंबर बहुत टाइम में आता है, 24 घंटे लग जाते हैं। ऐसे ही हमारा नंबर था जो दूसरे दिन शाम को आना था। और देखिए यहाँ का कुछ नज़ारा, और कुछ भी नहीं दिख रहा, बस बादल ही बादल। पहाड़ हम इतना पास थे बादल के कि पहाड़ और ऊँचा दिख। चलते चलते हो गई है सब लोगों की बैटरी डाउन और आवाज़ भी निकलने में दिक्कत हो रही है। और चलते चलते बस पसीना टपकता ही जा रहा है। और हमारी नंदू बंदर देख के यहाँ खुश हो जाती है, यहाँ हमें बंदर दिखना शुरू हो जाते हैं। और ये देखो पीछे से अधिकारी मंदिर कुछ ऐसा दिखता है। और हम लोग अपना नंबर लगाने के बाद फिर चल देते हैं टुकटा पहाड़ की ओर। और गाइस देखिए यहाँ अभी शाम के बजे हैं 5:15 और यहाँ दिख रही थी इतनी रात ओरा। और यहाँ पे देखो थोड़ा उजाला दिखा, क्लियर थोड़ा दिखने लगा यहाँ। और यहाँ हम अब जा रहे हैं सीढ़ियों के रास्ते से, थोड़ा सोचा कि जल्दी पहुँच लाएंगे और रास्ता भी थोड़ा कम पड़ेगा, तो हम सीढ़ियों से आ जाते हैं अभी तक, उसी रास्ते पर मिल जाते हैं। अब पहुँच जाते हैं हाथी माथा। और ये जगह देखो यहाँ थोड़ा साइड में दिखता है, यहाँ लोग घर बनाते हैं, कुछ पत्थर रख के कहते हैं कि ऐसे रखने से कुछ अपना घर बनता है, तो लोगों की श्रद्धा है, वहीं भी शुरू हो जाते हैं। और रास्ते में हमें दिखा ये रेस्टोरेंट, और हमारी कन्याओं को लग रही थी भूख और हम लोगों को भी, तो यहाँ जल्दी से बच्चों को दूध पिला दिया और हम लोगों ने भी अपना नाश्ता किया और फिर से चलने के लिए तैयार हैं ये लोग। 8 बजे चलते चलते मंदिर नहीं आने का नाम ले रहा। हम पहुँच जाते हैं उस जगह जहाँ से माता का मंदिर रहता है, सिर्फ 4 किलोमीटर दूर। और यहाँ एक छोटी सी चाँदी मस्ती करना शुरू हो जाती है, इतनी मस्ती रहती है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। फ्रेंड्स हम फाइनली उस रास्ते पर हैं जहाँ त्रिकुटा पहाड़ियों के बीच में जहाँ मंदिर है माता वैष्णो देवी का। और कहा जाता है कि यहाँ 3 पहाड़ हैं, तो 3 पहाड़ों के बीच में माँ वैष्णो देवी का मंदिर बना हुआ है। और ऐसा लगता है कि पहले हम लोग चढ़ रहे थे ऊपर पहाड़ की ओर, लेकिन जब मंदिर पास आता जा रहा है तो ऐसा लग रहा है पहाड़ के नीचे उतर के जा रहे हैं। यहाँ हमारी नंदू अंधेरे से थोड़ा परेशान हो जाती हैं और रोना शुरू कर देती हैं, और हम बोलते हैं बस पहुँचने वाले हैं क्योंकि मंदिर बहुत पास ही है। मंदिर तो नहीं लेकिन वो जगह पास है जहाँ पे सारा सामान रख दिया जाता है, बस वहाँ पर मंदिर के लिए
फाइनली पहुंच गए हैं जहां फाइनली पहुंच गए हैं माँ वैष्णो देवी का मंदिर है। लेकिन गुफा भी बहुत दूर है, यहाँ सामान इकट्ठा करके ही रख दिया जाता है और मोबाइल वगैरह वहाँ नहीं जाते हैं। और ये जो इतना दूर से मंदिर दिख रहा है, ये मेरा माता का मंदिर है जो अभी 2.5 किलोमीटर दूर है। दर्शन करने के बाद अब हम लोग थोड़ा खाना खाएंगे, क्योंकि सुबह से खाना नहीं खाया है, बस ऐसे थोड़ा बहुत नाश्ता कर रही थी। और ये हमारी नंदू यहाँ मस्ती कर रही हैं, विधि सो चुकी हैं, हम लोगों ने खाना खा। और खाना खाने के बाद हम पहुँच जाते हैं रात के 1 बजे भैरवनाथ के मंदिर। रात में हम लोग इसलिए चले क्योंकि कहा जाता है कि वैष्णो देवी की दर्शन करने के बाद अगर भैरवनाथ के दर्शन नहीं करो तो यात्रा पूरी नहीं होती। और इस तरह हुई हमारी यात्रा पूरी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें।